खबर जनपद उधम सिंह नगर की जशपुर से है, जहां आज गांधी जयंती पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज शर्मा के नेतृत्व में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने प्रशासन के साथ एक टीम बनाकर नगर में पंजीकृत चिकित्सकों पर छापेमारी अभियान चलाया। इसी दौरान उन्होंने नगर के मोहल्ला भूप सिंह में शिव मेडिकल स्टोर पर कुछ खामियां पाई, जिस पर कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपए का जुर्माना किया गया। साथ ही समीप में चल रहे शिव योग आयुर्वेदिक चिकित्सालय के नाम पर मरीज को एलोपैथिक दवाई चढ़ाई जा रही थी, जिस पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल में भर्ती तीनों मरीजों को अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य में भर्ती कराया और उस चिकित्सालय को सील कर दिया। वहीं इसको लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज शर्मा ने बताया कि मास शिवयोग चिकित्सालय पर 25,000 रुपए जुर्माना कर चिकित्सालय को सील कर दिया गया है और आगे भी लगातार कार्रवाई की जाती रहेगी। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। समय समय पर शिकायतें प्राप्त होती रहती है, अभी दुरुस्त से जो क्लिनिक संचालित हो रहे हैं या गलत तरीके से संचालित हो रहे हैं, तो उसी क्रम में आज जसपुर में आया था। 2 अक्टूबर भी था मेरे पास समय था, तो मैंने जो था उसका उपयोग करते हुए आज 2 जगह मैंने निरीक्षण किया क्लिनिक में। तो एक तो जो मेडिकल स्टोर संचालित हो रहा था उसके पास में अपना स्टेशन था मेडिकल स्टोर का, और फार्मासिस्ट जो जिसके नाम से रजिस्टर्ड है वो मौके पे नहीं थी, लेकिन फ़ोन करके मौके पर बुलाया गया। हालांकि जब हम गए तो उसका मेडिकल स्टोर बंद था और बाकी कोई मरीज वहाँ पे नहीं पाया गया, लेकिन कुछ ऐसे हिसाब से मिले आंशिक रूप से कि जिससे लगता था कि शायद मरीज वहाँ देखे जाते हैं छोटे मोटे। तो उसी के क्रम में और उसका जो फार्मासिस्ट था है एलिमेंट की, उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी रिन्यूअल होना था, उसने भी नहीं कराया समय से। तो ये एक जो निमित्त है देखते हैं 25,000 रुपये की शास्त्री उस पर आरोपित की गई है और उसको नोटिस दिया गया है कि हफ्ते के अंदर इस संबंध में जो कमियां हैं अपना स्पष्ट रूप प्रस्तुत करें, जो शास्त्री वो जमा करें और आगे नियम का संचालन करें। भविष्य में फिर वापस निरीक्षण किया जाएगा, अगर कमियाँ दूर नहीं की जाती हैं तो फिर आगे जो भी चीज़ कार्रवाई की जाएगी। दूसरा जो हमारा एक जो क्लिनिक संचालित हो रहा था शिव योग हेल्थ केयर क्लिनिक करके, तो उसमें देखा गया है कि सी के अंतर्गत उस पर रजिस्ट्रेशन नहीं है, जबकि वो अनिवार्य है किसी भी क्लिनिक को संचालन करने के लिए, तो सी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन उसका नहीं था। दूसरा जो उसकी जो डिग्री थी वो आयुर्वेदिक यूनानी का डिप्लोमा है उसके पास, लेकिन वो प्रैक्टिस वहाँ पर एलोपैथिक की करते पाए गए। मौके पर 3 मरीज भी भर्ती थे जिनको की ड्रिप चल रही थी और एलोपैथिक की दवाइयाँ उसको जो है वो दी जा रही थी। तो वो बायोमेडिकल वेस्ट जो मैनेजमेंट जो बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है मरीज का जब इलाज करते हैं उसके भी निस्तारण की उचित व्यवस्था वहाँ पर नहीं थी। इन्हीं सब कमियों को देखते हुए जनहित में एक तो सीसी की कार्रवाई की गई है, सील किया गया है, दूसरा उस पर 50,000 की शास्त्री भी उस पर लाई गई है और 1 हफ्ते का समय दिया गया है शास्त्री जमा करने के लिए और अपना स्पष्टीकरण देने के लिए।